बेबू ये क्या है, क्या हो गया है तुमको? थोड़ी तो कोशिश करनी चाहिए ना तुम्हें भी। Disappointed. यार मेरी वाइफ तो एटम बॉम्ब है यार। ओए ओए, धुएं काट दिए इसने तो यार। जल्दी सो जाता हूँ वरना कैसा ना कि रिएक्शन ही आ जाए। अरे यार ये आदमी भाभी जी को बेवकूफ बना रहा है, और बेचारी मासूम भाभी जी इसके हाथों की जान लाने के लिए क्या से क्या कर रही हैं। लेकिन बेचारी ये मासूम क्या जाने कि ये उनकी मासूमियत का फायदा उठा रहा है। लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम भाभी जी को बेवकूफ नहीं बनने देंगे, चाहे हमें इस आदमी की सारी पोल पट्टी ही क्यों ना खोलनी पड़े। वो इतनी रात को कोई कैसे आ सकता है किसी के घर पे, कोई वक्त है आने का? अरे अरे तिवारी जी, आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप ऐसे घुसकर चले आए इस वक्त, ऐसा क्या तूफान आ गया? भाभी जी, हम आपको ये बताने आए हैं कि जो भभूति जी है ये एक नंबर के ड्रामेबाज है, एक नंबर के नौटंकीबाज है। ये क्या फालतू की बात कर रहे हैं आप? अरे बिल्कुल सच कह रहे हैं भाभी जी, हमने आपके किचन में उन्हें गुलाब जामुन खाते हुए देखा है। गुलाब जामुन खाते हुए? व्हाट? नहीं नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। अरे नहीं भाभी जी, बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहे हैं, बिल्कुल सच बोल रहे हैं। हम अपनी अम्मा की कसम खा के कहते हैं कि हमने भभूति जी को आपके किचन में गुलाब जामुन खाते देखा है। भाभी जी कहाँ खो गई? तिवारी जी कुछ समझ नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है कि आप झूठ बोल रहे हैं कि सच। अगर ऐसा है तो ठीक है, हम साबित करके दम लेंगे। कैसे साबित करेंगे आप? भाभी जी काम कीजिएगा, कल भभूति जी को लॉन में लेकर आइएगा, अचानक आपको एक गुंडा छेड़ेगा। What nonsense is this? ये क्या बकवास है? अरे भाभी जी वो गुंडा हम होंगे, और वो गुंडा भभूति जी के सामने आपको छेड़ेगा, और अगर भभूति जी ने उस गुंडे पे हमला कर दिया तो ये साबित हो जाएगा कि उनके अंग प्रत्यंग एकदम सही सलामत है। अच्छा ठीक है, अगर आप इतने दावे के साथ कह रहे हैं तो ये नाटक करके देख लेते हैं, लेकिन अगर ये झूठ हुआ ना तो फिर भाभी जी हम ये साबित करके दम लेंगे। हाय सर्दी में गचक मेरी लाल लाल हो रही है। वो देखा, कौन है ये बदतमीज आदमी? चलो बदतमीजी का खिताब दे दिया है तो फिर थोड़ी बदतमीजी भी हो जाए। वो देखा, उसने मुझे छुआ। अगर तूने मेरी बीवी को दोबारा छुआ ना, मैं तुझे मार मार के भैंसा बना दूंगा। बैकवर्ड भैंसा। अबे तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी भाभी माँ को हाथ लगाने की? माना कि विभूति भैया के हाथ नहीं है, लेकिन ये जो दो हाथ है ना, ये विभूति भैया के हाथ हैं। और अगर किसी ने भी विभूति भैया या भाभी माँ के ऊपर हाथ डालने की कोशिश की ना, मैं उसके हाथ तोड़ दूंगा। ब्रावो सक्सेना, ब्रावो ब्रावो। Thank you.
सक्सेना जी, यू आर माई हीरो, यू आर माई सुपरमैन। सेना जी, थैंक यू सो मच। अरे भैया थैंक यू मत बोलिए, जिन हाथों ने मुझे इतना सेटिस्फेक्शन दिया है, इतना पीटा है मुझे, भैया ये वक्त आया है, ये वक्त आया है, अब वो हाथ नहीं रहे तो क्या हुआ, ये वक्त आया है उन हाथों के एहसानों को चुकाने का। कैसे चुकाएंगे आप एहसान? रामलाल बनकर। आई लाइक इट। बड़ी मुश्किल से टका के आए उस सक्सेना के बच्चे को, ये मौका भाभी जी के हाथ से खाना खाने का। मैंने कहा भाभी जी घर पर हैं? प्लीज प्लीज प्लीज, प्लीज भाभी जी, नो मेलोड्रामा प्लीज। ओके सिंबा भरपति जी, भाभी जी इस आदमी के दोनों हाथ काम ना कर रहे हो, नकारा हूं। उस आदमी की जिंदगी एक एक सूखे तालाब की तरह है, जिसकी बाउंड्री वॉल तो है लेकिन पानी नहीं है उसके अंदर। कौन से तालाब की बात कर रहे हैं आप? जाकर खटी का तालाब तो सूखा पड़ा है, उसमें तो पानी ही नहीं है। भाभी जी इमोशंस की बैंड बजा देते हैं। क्या बोले? बल्कि भाभी जी छोड़िए, बस अपने हाथों से खाना खिला दीजिए। प्लीज रोइए मत, रोइए मत, प्लीज रोइए मत, रोइए मत, खाना खिला दीजिए, इससे पहले टपक पड़े। चाहिए ना प्लीज। मजा आएगा भाभी जी के हाथ से खाना खाने का, मजा आएगा। बस ये भगवान तिवारी ना जाए, बस तिवारी ना जाए, बस। अभी चम्मच से नहीं, मैं चम्मच से नहीं खाता, अपने हाथ से खिलाइए और दाल चावल को भींच भींच के खिलाइएगा। और भींचिए। अरे भाभी माँ, जब मैं हूँ तो आपको तकलीफ करने की क्या जरूरत है? हैं विभूति भैया, रामलाल आ गया, आप जाइए काम कीजिए, मैं खिलाता हूँ। उठाओ भैया। सॉरी, अभी आप पैसे निकालना है जरा। हाँ मेरे पीछे जेब में है, निकाल लो। भैया आपकी जेब फटी हुई लग रही है। सना जी वो जेब नहीं थी, जेब ऊपर है यार, ऊपर है। हाँ ये ये जेब है। हाँ गॉड, अपने हाथ ना हो तो कितनी परेशानी होती है। ये भैया की तरफ से 10 रुपए की चाल। 10 रुपए की चाल है? ये का मतलब? भैया की जेब में 10 ही रुपए हैं। ए, कल पे पत्थर पड़ रहे तुम्हारे। ए, 10 रुपए में कहाँ जुआ खेला जाता है? लौंडो तुम लोग भूल रहे हो कि भैया के हाथ नहीं है। आई एम सॉरी, सॉरी भैया, मैं तो भूल ही गया था भैया। भैया वैसे मतलब बिना हाथ के कैसे लग रहा हो आपको? गुइया लग रहा है। मैं तेरे हाथ काट दूं दोनों, तुझे कैसा लगेगा बता? सच कहूं भैया, मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा। क्यों भैया? मैं अपने हाथों से बहुत परेशान हो गया हूं। क्यों परेशान हो गया अपने हाथों से? अब क्या बताऊं आपको भैया, जो मेरे हाथ है ना, जब भी कोई भीड़ देखते हैं ना तो अपने आप चलने लग जाते हैं। काऊ को काट लेते हैं, चूटी काट लेते हैं।
सक्सेना जी इतनी कॉफी पिलाई आपने कि मुझे प्रेशर बन गया। मैं जरा भी आता हूँ। ये लीजिए बिस्किट्स। अरे टीका मलखान किधर चले गए? अरे दफा हो गए यार, तुम्हें बिस्किट इनको खिला दो, मैं जरा होके आता हूँ। बहुत जोर से प्रेशर बन रहा है मुझे। भैया मैं भी चलूंगा आपके साथ। आप चलेंगे? क्या करेंगे आप मेरे साथ चल के? भैया भूल रहे हैं कि मैं आपके हाथ हूँ और हल्का होने के बाद आपको मेरी सख्त जरूरत पड़ेगी। एक्सक्यूज मी, मुझे आपकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आई विल मैनेज माय सेल्फ। और दूसरी बात है कि अनु है ना? क्यों अनु, यू देयर फॉर मी ना? सक्सेना जी जाइए, विभू के साथ जाइए। अरे भैया आइए आइए, आपके दोनों हाथ आपके साथ आइए। और भैया हल्का फील कर रहे ना? Yeah. सक्सेना जी, it's very nice of you कि आप मेरा इतना ख्याल रख रहे हैं। I really really appreciate this. Thank you so much भैया। लेकिन इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, you know, I feel uncomfortable. और कुछ एक काम ऐसे कि जो मैं खुद मैनेज कर लूंगा, प्लीज। भैया आप खुद कैसे मैनेज कर लेंगे? दोनों हाथ काम नहीं कर रहे हैं आपके, बिल्कुल बेकार हो चुके हैं। सक्सेना जी मेरे पैर तो काम कर रहे हैं ना? भैया पैरों से सिर्फ गब्बर सिंह को मारा जा सकता है जो कि ठाकुर साहब ने ऑलरेडी मार दिया है। वैसे भी ठाकुर साहब के बाकी के सारे काम रामलाल करते थे जी। भाभी जी मैंने भैया को फारिग करवा दिया। थैंक गॉड, थैंक यू सो मच। सक्सेना जी आप आए हैं ना तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे विभू के हाथ वापस से जिंदा हो गए। आप तो ना बिल्कुल शोले फिल्म के रामलाल हैं। अरे भाभी जी मैं रामलाल से बढ़के हूँ। मैं तो भैया के लिए वो काम करूंगा जो शायद रामलाल ने ठाकुर साहब के लिए भी नहीं किए होंगे। और कौन कौन से काम करेंगे आप? और कौन सा काम बाकी छोड़ा है आपने? भैया बहुत सारे काम बाकी हैं अभी। भाभी जी। अरे तिवारी जी आइए आइए। आगे चिरांद आई भाभी जी, जरा एक सेकंड इधर आइए। तिवारी जी कहिए। भाभी जी दरअसल हमें एक ऐसी थेरेपी के बारे में पता चला है कि अगर वो भभूति जी पे इस्तेमाल की जाए तो वो तुरंत ठीक हो सकते हैं। अरे वाह तिवारी जी, दैट्स गुड न्यूज। ऐसी कोई थेरेपी है जिससे मेरा विभू ठीक हो जाएगा? ये आदमी मेरे खिलाफ कोई नई साजिश करने वाला है जिसका नाम तिवारी है। बताइए ना थेरेपी। जी बिल्कुल भाभी जी। क्यों बकवास कर रहे हैं आप अनु? दिस मैन टॉक नॉनसेंस। बकवास नहीं कर रहे हैं जनाब, हमें ये थेरेपी डॉक्टर सूताराम ने बताई है और इस थेरेपी के इस्तेमाल से उन्होंने बड़े बड़ों को मतलब ठीक किया है। अरे तो तिवारी जी बोलिए मत ना, यूज कीजिए ना ये थेरेपी। जी भाभी जी बिल्कुल। ये देखिए भाभी जी, दरअसल ये है वो औजार, वो संटी जिसके इस्तेमाल से भभूति जी की बीमारी तुरंत ठीक हो सकती है। तिवारी जी वैसे तो ये बड़ी जाहिल सी थेरेपी है, लेकिन चलिए अगर विभू इससे ठीक हो जाता है तो ये भी ट्राई कर लेते हैं। यू विल बी फाइन। आई लाइक इट। महसूस हुआ? कुछ सेंसेशन हुआ? नहीं बेबी। आई लाइक इट। अब तो कुछ
कुछ हुआ होगा, इतनी जोर से मारा। नहीं बेबी, सुन है। नहीं, हुआ भाभी जी, हुआ। इनकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। अच्छा, आंसू आ रहे? इसका मतलब जरूर कुछ महसूस हुआ है विभो। ये मायूसी के आंसू, मेरे दोनों हाथ बेकार हो चुके हैं, मैं अपनी बाकी की जिंदगी कैसे जीऊंगा, ये सोच के आंसू अपने आप खुद ब खुद आ रहा है। आपने हमें मारा। सक्सेना जी, आंखें बंद कीजिए और कानों में उंगली डालिए। सक्सेना जी, अब आंखें खोल लीजिए। हद है यार, लड्डू बिना सारा सामान बिखेर के रख देता है। हद है यार, क्या हुआ? भाभी जी ने हमें थप्पड़ मारा अंगूरी। हद है यार, वो का है? ये जो भभूति जी है ना, ये एक नंबर के ड्रामेबाज है, एक नंबर के ढोंगी है। इनके हाथों में कुछ नहीं हुआ है, इनके हाथ बिल्कुल सही सलामत है, ये ढोंग कर रहे हैं। नहीं नहीं लड्डू के भैया, हमको तो ना ही लगता है। अरे तुम्हें तो कोई आदमी जो भी भेज दे तुम खरीद लेती हो। काहे नहीं लगता तुम्हें, पहले बार की अकल भी है तुम्हें? हम कहा खरीदते हैं, हम जो कुछ भी खरीदते हैं आपको पूछ के तो खरीदते हैं। जी तिवारी जी, आई एम सो सॉरी तिवारी जी, मुझसे गलती हो गई। क्या हुआ अनीता जी? तिवारी जी नहीं 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 प्लीज रोइए मत। देखिए आप विभू को इतनी जोर जोर से पीट रहे थे, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई। हदिया अंगूरी जी, आई एम रियली सॉरी, एक्चुअली मैंने तिवारी जी को एक जड़ दिया। कोनो बात नहीं अनीता जी, आपने इनको जड़ दिया तो अका है ना, लड्डू के भैया को भी कोई मारता तो हम भी उसको जड़ देते ना। देखिए ना तिवारी जी, आपने विभू को इतना पीटा फिर भी उसके हाथ टस से मस नहीं हुए। भाभी जी, आप हमारी बात पर विश्वास करें या ना करें, भभूति जी एक नंबर के ड्रामेबाज है। हमको तो ये लगता है कि आपकी चश्मे का नंबर बढ़ गया है। सही पकड़े हैं। ये मिरेकल है या धतूरे का बीज ये तो पता नहीं, लेकिन अंगूरी को बचाने के लिए धन्यवाद। हमको नीचे उतार रही है। Really? हाँ। विभो, मैं अभी नीचे आती हूँ।